all the students of class 5. Student of class 5, welcome in your SST class. So students, आज के क्लास में हम लोग SST के क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 11 का ग्रेट पीपल नेवर डाई में महात्मा गांधी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं सॉक्रेट्स, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए जिसकी वजह से उनकी गिनती ग्रेट पीपल नेवर डाई में होती है। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट जिस ग्रेट पीपल के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है महात्मा गांधी, जिनका समय काल है, टाइम पीरियड है 1869 to 1948। महात्मा गांधी का टाइम पीरियड है कितना, 1869 to 1948। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी क्या है, महात्मा गांधी का क्या है, फुल नेम है। जैसे कि आप बुक भी ओपन करिए और बुक ओपन करके सामने में यहाँ पे पढ़िए कि क्या है बुक में और क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, और आप भी रीडिंग कीजिए और आप भी पढ़िए। ओके, सो महात्मा गांधी का जो फुल नेम है वो क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 वेयर एट पोरबंदर इन गुजरात के पोरबंदर स्थान पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ओके, इनका नाम महात्मा इसलिए पड़ा, जैसे कि इनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, बट इनका महात्मा नाम इसलिए इनको महात्मा गांधी कहा जाने लगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा उदार थे, लोगों को बहुत ज्यादा लोगों के प्रति इनके मन में बहुत ज्यादा क्या थी, दयालुता थी, ये बहुत ज्यादा उदार थे, लोगों का हेल्प करते थे, इसलिए इनको महात्मा कहा जाने लगा। ओके, तो इनका नाम पड़ा महात्मा गांधी। अब देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ। ही स्टडी लॉ, इन्होंने कानून की पढ़ाई की इन लंदन। ही स्टडी लॉ इन लंदन एंड बिकम अ बैरिस्टर, और वो वहां पे बैरिस्टर बने। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वो जब साउथ अफ्रीका गए तो देयर ही वाज शॉक, वहां पे वो क्या शॉक हो गए, आश्चर्य हो गए। कहां गए, साउथ अफ्रीका जब महात्मा गांधी गए तो वहां पे वो शॉक हो गए। क्यों शॉक हो गए वो हम देखते हैं। टू सी प्लाइट ऑफ इंडियन एंड द ब्लैक्स, इंडियंस भारतीय और जो काले लोग होते थे उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसकी वजह से वो वहां पे शॉक्ड हो गए। और उन्होंने ये बात कही कि ये भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इक्वल राइट्स मिलना चाहिए वाइट्स को भी और ब्लैक्स को भी और इंडियंस को भी। ओके, इक्वल राइट्स, हर चीज में इक्वलिटी होनी चाहिए, तो ये बात महात्मा गांधी ने वहां रखी। ही और उन्होंने बहुत सारे ये मूवमेंट स्टार्ट किए। ही नेम्ड इट स्ट्रगल एज सत्याग्रह, उन्होंने जो इस ब्लैक्स के लिए और इंडियंस के लिए जो साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उन्होंने क्या किया, सच्चाई पे बेस्ट, ट्रूथ पे बेस्ट, उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया फॉर ट्रूथ। फाइनली ही सक्सीड, फाइनली उनको सफलता मिली इन रिमूविंग मेनी ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन थे जिसको कि साउथ अफ्रीका से हटाने में महात्मा गांधी का सहयोग है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गलत मूवमेंट्स, गलत डिस्क्रिमिनेशन में लोगों के साथ हो रहा था उनको उन्होंने हटाया। गांधी जी केम बैक टू इंडिया, गांधी जी इंडिया कब आए, इन 1940। गांधी जी महात्मा गांधी इंडिया में कब आए, 1940। और 1940 जैसे ही वो इंडिया में आए, ही बिकम वेरी सैड टू सी द कंडीशन ऑफ इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल। ही बिकम वेरी सैड, वो महात्मा गांधी बिकम वेरी सैड, उन्होंने जब यहाँ पे भारतीयों की कंडीशन देखी तो वो बहुत उदास हो गए क्योंकि सब कुछ भारतीयों का था, भारत में वो रहते थे, भारत उनका देश था, इंडिया उनका कंट्री था, फिर भी उनके साथ अत्याचार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको देख के वो बहुत ज्यादा सैड हुए। ही बिकेम वेरी सैड टू सी द कंडीशन ऑफ इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के शासन में इंडियंस के साथ जो शोषण हो रहा था उसकी वजह से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का समय काल है 1869 to 1948।
फुल नेम है इनका मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी जन्म हुई है 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात में। ये इन्होंने लॉ की पढ़ाई लंदन में की है एंड ये बैरिस्टर थे। जब ये साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने ब्लैक और इंडियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको देख के ये बहुत ज्यादा शॉक हो गए और उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वाले जो एक्ट थे उसको वहां से रिमूव किया। महात्मा गांधी इंडिया में 1914 में आए एंड वो बहुत ज्यादा सैड हुए। क्या कंडीशन था ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडियंस का, ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा सैड हुए। तो आप इसको रिकॉल करिए, पढ़िए और इसको नोट करना चाहते हैं तो करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने इसको रीड कर लिया, आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट हमारा है गांधी जी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने क्या किया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री। और उन्होंने ब्रिटिश के साथ फाइट नहीं किया बल्कि पीस के साथ, शांति के साथ, गन वायलेंस के साथ उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, और उन्होंने इस पर विजय भी पाई। गांधी जी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर इनिशिएटिंग दिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट ही गॉट रिलीज्ड इन 1944। स्टूडेंट्स, गांधी जी जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, इसकी वजह से ब्रिटिश को ये बात अच्छी नहीं लगी कि लोग सब ग्रुप बना के ये हमारे खिलाफ मूवमेंट तैयार कर रहे हैं। तो ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया, गांधी जी को और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया और फिर उनको छोड़ा गया। 1942 में अरेस्ट किया और 1944 में छोड़ा गया आफ्टर 2 ईयर्स। बट गांधी जी ने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी एंड अगेन उन्होंने क्या किया फिर से मूवमेंट स्टार्ट किया एंड फाइनली ब्रिटिश जो है वो इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हो गए इन 1947। इन 1947 द ब्रिटिश वुड डिसाइडेड टू लीव इंडिया, इंडिया छोड़ने के लिए राजी हो गए। बट बिफोर गिविंग इंडिपेंडेंस, हम लोगों का कंट्री छोड़ने से पहले उन्होंने क्या किया, कंट्री को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को छोड़ने से पहले उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री को टू पार्ट में